ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं योगेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो किंग पे। आज की वीडियो में बात करेंगे, मंगल यदि खान नंबर 6 में हो तो क्या इसके पॉजिटिव और क्या इसके नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, साथ ही साथ इसके रेमेडीज के बारे में जानेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, यानी पिछली वीडियो में मैंने लाल किताब के सूत्रों के बारे में बताया था, अगर आपने अभी तक मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जाइए उन वीडियो को भी जरूर देखें, साथ ही साथ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं यदि मंगल 6 में हो। कुंडली वाले में बहुत हिम्मत होगी, यानी तो बहुत हिम्मती होगा, पानी में आग लगाने की हिम्मत वाला होगा। मंगल 6 के समय कुंडली वाले में बहुत हिम्मत होगी, पानी में आग लगाने की हिम्मत वाला होगा। मंगल 6 में हो, सूर्य कहीं भी हो, उत्तम फल का होगा लेकिन लड़का होने के बाद, और जुबान का पक्का होगा। कुंडली वाला धर्मवीर होगा। बुध के कारोबार नेक असर देंगे। कुंडली वाला हुनरमंद होगा, गाने गाने का शौकीन होगा। कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होगी। चाल चलन ये अपना ठीक रखें, यानी मंगल 6 के समय सूर्य कहीं भी हो, उत्तम फल का होगा लेकिन लड़का होने के बाद, जुबान का पक्का होगा। कुंडली वाला धर्मवीर होगा। बुध के कारोबार नेक असर देंगे। कुंडली वाला हुनरमंद होगा, गाने गाने का शौकीन होगा। कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होगी। चाल चलन ठीक रखे। मंगल 6 में हो, अगर राहु 12 में हो तो राहु का फल मंदा नहीं होगा लेकिन केतु मंदा होगा। मंगल 6 के समय अगर राहु 12 में हो तो राहु का फल मंदा नहीं होगा लेकिन केतु मंदा होगा। मंगल 6 में हो, खान नंबर 2 में कोई भी ग्रह हो तो जैसे जैसे खुद तरक्की करेगा वैसे इसके भाई तरक्की करेंगे। यानी मंगल 6 के समय खान नंबर 2 में कोई भी ग्रह हो तो जैसे जैसे व्यक्ति खुद तरक्की करेगा वैसे इसके भाई तरक्की करेंगे। मंगल 6 में हो, गृहस्थी के लिए शनि बुध को देखें, यानी मंगल 6 के समय गृहस्थी के लिए शनि और बुध को देखें। भाई की हालत चंद्र बुध बताएंगे। मंगल 6 के समय कुंडली में शुक्र अच्छा हो या शनि बुध इकट्ठे 7 में हो तो कुंडली वाला अपनी 3 पुष्टे तार देगा। मंगल 6 के समय कुंडली में शनि अच्छा हो या शनि बुध इकट्ठे 7 में हो, यानी खान नंबर 7 में हो, तो कुंडली वाला अपनी 7 पुष्टे तार देगा। मंगल 6 में हो, कुंडली में सूर्य बुध और गुरु अच्छे हैं तो कुंडली वाले के औलाद की कमी नहीं होगी। यदि मंगल 6 में हो, कुंडली में सूर्य बुध और गुरु अच्छे हैं तो कुंडली वाले के औलाद की कमी नहीं होगी। अब आपको एक मैं थंब रूल बता रहा हूं, यानी मंगल 6 के समय उसके भाई मंगल 6 वाले को कुछ ना कुछ पैसे देते हैं, इससे भाइयों की तरक्की होती चली जाएगी। यानी मंगल 6 के समय अगर इसके भाई इसको कुछ ना कुछ पैसे देते रहे तो इससे भाइयों की तरक्की होती चली जाएगी। थंब रूल है, यानी जब भी मंगल 6 में हो और इनके भाइयों की तरक्की ना हो तो इनके भाइयों को इनको पैसे देने चाहिए, इससे इनके भाइयों के व्यापार में तरक्की होगी। अब मंगल 6 में हो अगर मंदा हो तो कुंडली वाले के औलाद नहीं होगी, अगर हुई तो बीमार, मामा दुखी और बर्बाद। कुंडली वाला खुद तरफ सही की औलाद होगी, यानी कि मन्नत वाली औलाद होगा। मंगल 6 में हो अगर मंदा हो तो कुंडली वाले के औलाद नहीं होगी, अगर हुई तो बीमार, मामा भी दुखी होंगे और बर्बाद होंगे। कुंडली वाला खुद तरसई की औलाद, यानी कि मन्नत की गई औलाद होगा। जिनका भी मंगल 6 में है ये मन्नत किए हुए होते हैं। मंगल 6 में हो, सूर्य बुध गुरु मंदे हैं तो एक लड़का जरूर होगा। इसी वक्त अगर कुंडली में केतु मंदा हो तो 34 वर्ष की उम्र के बाद औलाद कायम होगी। मंगल 6 के समय सूर्य बुध गुरु मंदे हैं तो एक लड़का जरूर होगा। इसी वक्त अगर कुंडली में केतु मंदा हो तो 34 वर्ष की उम्र के बाद औलाद कायम होगी। कुंडली वाले को चाहिए अपने औलाद की औलाद को कभी भी सोना ना पहने, यानी जिनका भी मंगल 6 में है अपनी औलाद को कभी भी सोना ना पहनाए। सब तरफ से खाक होगी अगर सोना पहन लिया तो, फाइनेंशियल डाउनफॉल होगा और बेटा भी बीमार हो जाएगा। जिनका भी मंगल 6 में इनको अपने बेटों का सोना नहीं पहनाना चाहिए। कुंडली वाले का बेटा तब सोना पहन सकता है जब कुंडली वाला दादा बन जाए, यानी कि जब इनके पोता हो जाए तब ये अपने बेटे को सोना पहना सकते हैं। मंगल 6 में हो, बुध 12 में हो, कुंडली वाले के बहन और भाई कुंडली वाले के दुख का कारण बनेंगे। मंगल 6 में हो, बुध 12 में हो, कुंडली वाले के बहन और उसके भाई कुंडली वाले के दुख का कारण बनेंगे। मंगल 6 में हो और बुध 8 में हो, मंगल को सूर्य या चंद्र का किसी भी तरह से मदद मिल जाए तो कुंडली वाले की माता छोटी उम्र में गुजर सकती है। यानी मंगल 6 के समय
बुध 8 में हो तो मंगल को सूर्य या चंद्र की किसी भी तरह से मदद मिल जाए तो कुंडली वाले की माता छोटी उम्र में गुजर सकती है। मंगल 6 के समय बुध 8 में हो, मंगल को सूर्य या चंद्र की किसी भी तरह से मदद ना मिले तो कुंडली वाले की माता छोटी उम्र में गुजर सकती है। मंगल 6 में हो, बुध 4 में हो, कुंडली वाला पहले खुद छोटी उम्र में मर जाएगा, बाद में माता भी साथ चली जाएगी। बट ये प्रैक्टिकली नहीं है, जो लाल किताब में लिखा वो आपको बता रहा हूं, बट ये प्रैक्टिकली नहीं है। मंगल 6 में हो, बहन बुआ मौसी का आशीर्वाद लेते रहिए। मंगल 6 के समय बहन बुआ और मौसी का आशीर्वाद लेते रहिए। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप लोग मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो जाइए उस नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।